हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता, जिसे आप हरी दम आलू भी कह सकते हैं और इसे हरी आलू भी कहा जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी को बजाना ना भूलें। हमने इसे बनाने के लिए यहाँ पर 500 ग्राम आलू ले लिए हैं, 1 गड्डी हरी धनिया ले ली है, हरी लहसुन और हरी मिर्च ली है, तेल लिया है हमने सरसों का, सूखी खड़ी धनिया ली है, नमक लिया है स्वाद अनुसार डालने के लिए। हम अपनी गैस को अब ऑन करेंगे और इस पर अपनी कढ़ाई चढ़ाकर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तेल डाल के कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, अब इसे हम गर्म होने तक के लिए छोड़ देंगे और अपनी हरी धनिया, हरा लहसुन और हरी मिर्च को मिक्सर में पीस लेंगे। पीस का इसका हम एकदम पेस्ट सा बना लेंगे। हमने मिक्सर ग्राइंडर के डिब्बे में सारी चीज़ें डालनी हैं। अब हम इसे पीसेंगे। इसमें हमने आधा कप पानी डाला है, 2 चम्मच नमक डाला है, जिससे कि हमारा मिर्च लहसुन धनिया पीसने में आसानी हो। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसे हमने कटोरी में निकाल लिया है और आलू को बारीक पीसेस में काट लिए हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हमने सूखी खड़ी धनिया को क्रश करके डाल दिया है। इसे हल्का लाल होने तक हम फ्राई करेंगे। धनिया हमारी हल्की फ्राई हो चुकी है, इसमें अब हम आलू डाल देंगे। आलू के साथ भी अब हम धनिया को फ्राई करेंगे। इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। 2-4 मिनट हम इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार अपना नमक डालेंगे। हाँ, इसे ध्यान से नमक डालेंगे क्योंकि हमने पेस्ट में भी नमक डाला था। नमक डालने के बाद भी हम इसे इस तरह से 1-2 मिनट मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर आलू को इसी तरह हम मिक्स करते हुए भूनेंगे। दो तीन मिनट तक हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे। दो तीन मिनट के बाद हम अपना पेस्ट भी इसी में ऐड कर देंगे। पेस्ट को ऐड करने के बाद हम आलू के साथ पेस्ट को इस तरह से मिक्स कर लेंगे और 8 से 10 मिनट तक इसे इसी तरह से भूनते रहेंगे। आठ दस मिनट तक भूनने पर ये हमारी आलू बहुत ही अच्छे से टेस्ट में आ जाएगी। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से आलू हमारी भून चुकी है। इसी तरह हम चलाते रहेंगे। अब हमारी आलू बनकर रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और घंटी को बजाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय।